अब मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हम यहाँ जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, फैन है, कैमरा है, ये सब कुछ पहले विचार थे और बाद में अपने भौतिक रूप में आ गए। तो जब सकारात्मक विचार से सकारात्मक आविष्कार हो सकता है, तो फिर तो नकारात्मक विचार भी नकारात्मक प्रभाव डालते होंगे। आजकल बहुत बच्चे हमारे से कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, या इतना कैसे याद करें, इतना सिलेबस है, मेरे मस्तिष्क में तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतना पढ़ सकूं। जहाँ तक आपने कहा कि बच्चों को लगता है कि हम इससे ज़्यादा याद नहीं कर सकते, हमारी इतनी सी लिमिट है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अभी विज्ञान इस विषय पे क्या कहता है। वो कहता है कि इंसान के दिमाग में ये जो छोटी कोशिकाएँ हैं जहाँ सूचनाएँ जाके संग्रहित होती हैं, जिनको न्यूरोन्स या तंत्रिकाएँ कहते हैं, एक तंत्रिका में जितनी सूचनाएँ संग्रहित हो सकती हैं वो है, एक के आगे 28 जीरो लगा दें तो इतने नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक के आगे 28 जीरो, इतनी सूचनाएं एक कोशिका में संग्रहित हो जाती हैं। और अगर मैं साधारण भाषा में आपसे कहूं तो 10 नई चीज़ें अगर हम याद करते चले जाएं हर सेकंड, और 100 सालों तक इस प्रक्रिया को चलने दें, तो 100 साल में हमारी जो मेमोरी है वो आधी से कम भरेगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की अनंत क्षमताएँ मानव मस्तिष्क में प्रकृति ने डाली। लेकिन एक प्रश्न दिमाग में आता है, अगर हम सब में इतनी क्षमताएं हैं तो हम उन क्षमताओं का उपयोग क्यों नहीं कर पाते? जब हमारे मस्तिष्क को ये पता नहीं होता कि क्या करना है और क्यों करना है, ये जो जीवन मिला है इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना है। जब एक बच्चा ये तय करता है कि मुझे बस एक लेक्चरर बनना है या मुझे बस इतना सा करना है, तो वो लेक्चरर बनने के लिए जितनी उसकी क्षमताएं हैं वो जागृत हो जाती हैं। अगर उसका लेक्चर बनने का या जो भी कुछ बनना चाहता है अगर वो भी उसने तय नहीं किया तो वो शक्तियां सोती रहती हैं। जो एक वो लक्ष्य लेता है कि हाँ ये मुझे करना, जैसे अभी मैं एक कॉलेज में था और मैंने वहाँ बच्चों से पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम तो टीचर बनना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद का कॉलेज खोलना चाहते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं जहाँ ना केवल वो खुद बल्कि हज़ारों दूसरे लोग भी आकर के सीखें। उनका सर ऐसे तो हम सोचते ही नहीं। तो अगर आप ऐसे नहीं सोचते तो जो अनंत क्षमताएं प्रकृति ने दी हैं वो तब तक जागृत भी नहीं होंगी। उसको जागृत होने का कोई कारण चाहिए, वो क्यों आप में जागृत हो, आपके पास ऐसा क्या बड़ा लक्ष्य है। जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, अभिभावकगण, बच्चे, विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, उनको आज से ये सोचना ही चाहिए कि मुझे जीवन में क्या बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, और खुल के इसके बारे में सोचें। उसके बारे में जहाँ भी एक लेश मात्र भी संशय मन में नहीं होना चाहिए कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तय करें कि मुझे ये करना है। एक दिन को एक जन्म के जैसे जियो। सुबह हम शुरू किया, जब आँख खुली तो माना कि हमारा जन्म शुरू हो रहा है, और जब रात को हम सोएंगे तो ये जीवन आज का जन्म ये समाप्त। और पूरे दिन भर को आज मुझे खेलना है, आज मुझे ध्यान करना है, आज मुझे मैक्सिमम पढ़ना है, आज मुझे मैक्सिमम दूसरों की मदद करनी है, मैक्सिमम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, आज का दिन है सो है। और जब हम इस फीलिंग के साथ काम करते हैं तो हमारी मानसिक क्षमताएं जो हैं वो बढ़ चढ़ करके और हमारा सहयोग करने लगती है। ये भावना हमारे अंदर बैठनी चाहिए।